morning. Now I am here with my new video introduction to reactor design part 3. Part 1 and part 2 are already reviewed on my YouTube channel. And now I am here with part 3 in which there are numerical problems related to reactor design which are connected to the theory which I have reviewed in introduction to reactor design part 1 and part 2. तो किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो नेसेसरी स्टेप है वो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें जो की पॉइंट्स दिए हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मूला या उनसे रिलेटेड थ्योरी आपके दिमाग में तुरंत फ्लैश होनी चाहिए. जो चीज़ दी गई है और जो चीज़ पूछी गई है उन सबको की पॉइंट से कनेक्ट करना अगर आता होगा तो न्यूमेरिकल बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा. अब जैसा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, एन आइसोथर्मल बैच रिएक्टर, तो बैच रिएक्टर देखते ही हमारे दिमाग में बैच रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन फ्लैश होनी चाहिए. 70% ऑफ आवर रिएक्टेंट ए इज़ कन्वर्टेड इन 13 मिनट्स. 13 मिनट में किसी रिएक्टेंट ए का 70% कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0.7. आगे फाइंड द स्पेस टाइम एंड स्पेस वेलोसिटी नीडेड. अब बैच रिएक्टर में तो टर्म होती नहीं है, मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर में होती है. तो आगे पढ़ते हैं, टू इफेक्ट दिस कन्वर्जन इन अ प्लग फ्लो रिएक्टर एंड इन अ मिक्स फ्लो रिएक्टर. मतलब अगर यही कन्वर्जन जो बैच रिएक्टर में हुआ, अगर यही मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर में होता तो उस समय कितना स्पेस टाइम और स्पेस वेलोसिटी नीडेड होती. तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है. क्यों कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर है तो उसकी परफॉर्मेंस इक्वेशन हमारे दिमाग में फ्लैश होनी चाहिए. हमारे दिमाग में फ्लैश हो गई. अब जैसे कि मिक्स फ्लो रिएक्टर की बात करते हैं, मिक्स फ्लो रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन है टाउ अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस आर ए. तो यहाँ से हम सी ए नॉट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, फिर नीचे रेट है, रेट इक्वेशन को खोल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है तो के सी ए हो जाएगा. फिर सी ए को हम सी ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स ए वाले फॉर्मूले से खोल देते हैं, सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन के इंटू वन माइनस एक्स ए. अब एक्स ए तो हमें पता है कितना है 0.7, पर हमें के नहीं पता. तो के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेट इक्वेशन का यूज़ करते हैं. अब जैसे कि हमने माना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ही रेट के सी ए भी होगा जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया ताकि सी ए नॉट और सी ए नॉट कैंसिल हो जाए. और दूसरा जो अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसकी रेट इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए जो कि है माइनस एल एन वन माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टी. अब यहाँ पे हमें एक्स ए की वैल्यू पता है 0.7, टी की वैल्यू हमें पता है 13, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी. और ये जो के की वैल्यू है ये हम मिक्स फ्लो रिएक्टर की जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, टाउ की वैल्यू आ जाएगी. अब हमने स्पेस टाइम निकाल दिया, स्पेस वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं 1/टाउ करके. अब आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. आपकी मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए जो स्पेस वेलोसिटी और स्पेस टाइम था वो आ गया. अब हमें कैलकुलेट करना है प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए. तो अगर हम प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करें तो हमें उसकी परफॉर्मेंस इक्वेशन तुरंत दिमाग में फ्लैश होनी चाहिए जो कि क्या होती है, टाउ अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन एफ ए नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x ए डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए. अब यहाँ पे भी पहले हम रेट को ओपन कर देंगे के सी ए, फिर सी ए को हम सी ए नॉट वाले फॉर्मूले से ओपन कर देंगे सी ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स ए, और सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली हमारा आएगा क्या, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन के बाद हमारा आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू 1/k इंटू माइनस एल एन वन माइनस एक्स ए और लिमिट वाई 0 to x ए, यानी कि 0 to 0.7. और k की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जब हम यहाँ पे एक्स और k की वैल्यू लिखेंगे तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ से हम स्पेस वेलोसिटी की वैल्यू टाउ का रेसिप्रोकल यानी कि 1/टाउ निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे. तो भाई पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था, बहुत जल्दी हो गया. अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ते हैं. तो पहले तो क्वेश्चन है क्या, वी आर प्लानिंग टू ऑपरेट अ बैच रिएक्टर. अब बैच रिएक्टर पढ़ते ही आपके दिमाग में बैच रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन फ्लैश होनी चाहिए. फॉर कन्वर्टिंग ए इनटू आर, दिस इज द लिक्विड फेज रिएक्शन. लिक्विड फेज रिएक्शन कॉन्स्टेंट डेंसिटी होती है और गैस फेज रिएक्शन चेंजिंग डेंसिटी होती है. विद स्टोइकोमेट्री ए गिव्स आर रिएक्शन दे रखी है. हाउ लॉन्ग मस्ट वी रिएक्ट ईच बैच, यानी कि हमें टाइम पूछा है. फॉर कंसंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम सी ए नॉट टू सी ए एफ, कंसंट्रेशन लिमिट दे रखी है. और नीचे हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें डेटा दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में बैच रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन फ्लैश की. बैच रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या होती है, टी इज इक्वल टू सी ए नॉट इंटीग्रल 0 to x ए डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए. उसको हम कंसंट्रेशन की टर्म में भी लिख सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो
हमने क्या किया है यहाँ पे, जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है बैच रिएक्टर की उसको कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा है, फिर माइनस साइन हटा के लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। अब जब भी हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में इक्वेशन होती है और हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं तो हम ग्राफ बनाते पे क्या करते हैं, जो इंटीग्रल टर्म है उसको एक तरफ ले जाते हैं और जो नॉन इंटीग्रल टर्म्स है उसको एक तरफ ले जाते हैं, जो कि ऑलरेडी है इस इक्वेशन में, और जो इंटीग्रल टर्म्स हैं उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, और जो नॉन इंटीग्रल टर्म है जो कि कांस्टेंट है वो बाउंडेड एरिया के बराबर होती हैं। कैसे होती है मैं बाद में आपको बताऊंगी। अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किसके बीच में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बीच में, यानी कि सी ए और 1 - RA के बीच में। तो हमें टेबल में सी ए और रेट दोनों की वैल्यूज़ पीछे दे रखी हैं, तो हम 1 - RA की वैल्यू कैलकुलेट करके और ग्राफ प्लॉट करेंगे, और साथ में ही हमें लिमिट्स भी दे रखी है, सी ए नॉट इज इक्वल टू 1.3 और सी ए एफ इज इक्वल टू 0.3। तो हम जो एरिया बाउंड जो होगा वो इन्हीं लिमिट्स में होगा। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है 1 - RA और सी ए के बीच में, कंसंट्रेशन की हमें लिमिट दी हुई हैं 1.3 मोल पर लीटर और 0.3 मोल पर लीटर, तो उससे हमने एरिया बाउंड कर दिया है। और ये जो बाउंडेड एरिया है वो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो कांस्टेंट आयन की स्मॉल टी उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रॉप कंसंट्रेशन फ्रॉम 1.3 टू 0.03 मोल पर लीटर इन बैच रिएक्टर, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हमें एरिया बाउंडेड निकालना है बाय पॉइंट्स ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ होता है उसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं, हम देखते हैं एक जो बड़ा ब्लॉक होता है यानी कि 10 × 10 ब्लॉक्स का जो एक ब्लॉक होता है उसको हम काउंट करेंगे, तो ये जो बाउंडेड एरिया है उसके बीच में 15.5 आएगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि सेंटीमीटर हमारा यूनिट है, तो 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया निकल रहा है, क्योंकि ब्लॉक्स जो हैं वो 15.5 हैं। तो जो टाइम निकलेगा वो एरिया मल्टीप्लाई बाय स्केल एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय स्केल वाई एक्सिस, यानी कि 15.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 12.4 मिनट आपका वो टाइम है जो कि आपको रिक्वायर्ड है ना बैच रिएक्टर टू ड्रॉप कंसंट्रेशन फ्रॉम 1.3 टू 0.03 मोल पर लीटर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर द रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन 2, यानी कि रिएक्शन क्या थी हमारी, ए गिव्स आर डिटरमाइन द साइज ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। प्लग फ्लो रिएक्टर देखते हैं क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, परफॉर्मेंस इक्वेशन प्लग फ्लो रिएक्टर की फ्लैश होनी चाहिए। तो एक टर्म आती है वी अपॉन एफ ए नॉट इक्वेशन में, तो हमसे प्लग फ्लो रिएक्टर का साइज यानी कि वॉल्यूम पूछा है, यानी कि वी पूछा है। दैट वुड बी नीडेड फॉर 80% कन्वर्जन। 80% कन्वर्जन यानी एक्स ए की वैल्यू में दे रखी 0.8 ऑफ अ फीड स्ट्रीम ऑफ 1000 मोल ए पर आर, यानी कि जो इनिशियल फीड रेट है रिएक्टेंट ए का वो है 1000 मोल पर आर एट सी ए नॉट इज इक्वल टू 1.5 मोल पर लीटर, और हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। हमने प्लग फ्लो रिएक्टर की जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होती है वो एक्स ए वाली भी लिख दी और कंसंट्रेशन वाली भी लिख दी, हमने दोनों लिख दी। ईजी है, जब आप न्यूमेरिकल करने चलेंगे तो आपको ईजी रहेगा, बाकी क्योंकि यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है तो यहाँ पे आप जो नीडेड परफॉर्मेंस इक्वेशन है वो कंसंट्रेशन वाली है। तो सी एन आउट की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से हम सी एफ निकाल सकते हैं, सी एफ यानी कि सी ए जो भी होगा सी ए नॉट इंटू 1 - X वो आ जाएगी हमारी 0.3 मोल पर लीटर। अब एफ ए नॉट हमें दे रखा है 1000 मोल ए पर आर, पर हमने क्या किया है उसको मोल पर मिनट में चेंज किया है। हमने मोल पर मिनट में क्यों चेंज किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन था पिछला उसमें हमें एक जो टेबल दी गई थी उसमें रेट की जो यूनिट थी वो थी मोल पर लीटर मिनट, मोल पर लीटर मिनट। आप पीछे जाके देखें वीडियो को, तो जो रेट की यूनिट थी वो थी मोल पर लीटर मिनट। तो क्योंकि वहाँ पे मिनट आ रहा था तो यहाँ पे जो फीड रेट है उसमें भी हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। अब यह है 1000 मोल ए पर आर, तो इसको हम मोल पर मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे और आपका आ जाएगा 16.67 मोल पर मिनट, ठीक है। अब हमारा जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है वो क्या है, बी इज इक्वल टू एफ ए नॉट अपॉन सी ए नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ डी सी अपॉन माइनस आर ए विथ लिमिट सी एफ टू सी ए नॉट,
ठीक है, एफ ए नॉट की वैल्यू हमें पता है, सी ए नॉट की वैल्यू हमें पता है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एफ ए नॉट अपॉन सी ए नॉट इंटीग्रल डी सी अपॉन माइनस आर ए विथ लिमिट सी एफ टू सी ए नॉट। तो जब इंटीग्रल की फॉर्म में क्वेश्चन होती है तो मैंने आपको बताया था कि हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले जाते हैं, यानी जो विदाउट इंटीग्रल जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं और जो विथ इंटीग्रल टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारी क्वेश्चन आ जाएगी वी सी ए नॉट अपॉन एफ ए नॉट इज इक्वल टू जो भी पूरी इंटीग्रल की टर्म है, यानी कि इंटीग्रल डी सी अपॉन माइनस आर ए। तो जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, सी ए और वन माइनस वन अपॉन माइनस आर ए के बीच में, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये हमें पिछले क्वेश्चन में दी गई थी, वहाँ से हम ले लेंगे और वहाँ से वन अपॉन माइनस आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ग्राफ वैसा ही प्लॉट होगा, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। लिमिट्स चेंज होके क्या हो जाएंगी, लिमिट्स हैं सी एफ टू सी ए नॉट, सी ए नॉट हमें दे रखा है 1.5 मोल पर लीटर और सी एफ जो है वो है 0.30 मोल पर लीटर। इनके बीच का एरिया हम बाउंड कर लेंगे और जब हम काउंट करेंगे तो जो एरिया आएगा, एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी डी, दैट विल बी 43.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो नॉन इंटीग्रल टर्म थी उसकी वैल्यू आपकी आ गई 43.15, यानी कि वी सी ए नॉट अपॉन एफ ए नॉट इज इक्वल टू 43.15 मल्टीप्लाई बाय स्केल वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय स्केल एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस है उसका स्केल है 2 और एक्स एक्सिस है उसका स्केल है 0.2, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वी सी ए नॉट अपॉन एफ ए नॉट इज इक्वल टू 17.26 मिनट्स। और उसको जब हम एफ ए नॉट से मल्टीप्लाई और सी ए नॉट से डिवाइड कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी और फाइनली बी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 191.8 लीटर्स। सो नाउ क्वेश्चन 4, वी आर प्लानिंग टू ऑपरेट अ मिक्स रिएक्टर टू कन्वर्ट ए इनटू आर। तो यहाँ पे तुरंत ही आपके दिमाग में फ्लैश की मिक्स रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन, जो कि होती है क्या, टाउ अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन एफ ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन माइनस आर ए, जिसको हम जब सी ए की टर्म में लिखते हैं तो हो जाती है सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन माइनस आर ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। दिस इज द लिक्विड रिएक्शन विद द स्टोइकोमेट्री ए गिव्स आर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टेबल बिलो। हमें सी ए और रेट के बीच में टेबल दी हुई है। व्हाट साइज ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर, यानी कि यहाँ पे हमें मिक्स फ्लो रिएक्टर का साइज यानी कि वॉल्यूम पूछा गया है। फॉर 75% कन्वर्जन, यानी एक्स ए की वैल्यू है 0.75 ऑफ अ फीड स्ट्रीम ऑफ रेट, रेट दिया हुआ है सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ पे प्लग फ्लो रिएक्टर था और यहाँ पे मिक्स फ्लो रिएक्टर है। तो हमने सबसे पहले परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखी क्योंकि कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ कंसंट्रेशन टेबल में भी है तो हमें कंसंट्रेशन की टर्म में लिखनी है। और एक्स ए 0.75 दे रखा है और सी ए नॉट दिया है, तो वहाँ से हमने सी ए निकाल लिया, फिर हमने सी ए माइनस आ रहे तो हमें टेबल में दिया है, वन अपॉन माइनस आ रहे भी निकाल लिया क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है कि इसके बीच में सी ए और माइनस आ रहे के बीच में। अब आप कहेंगे हमें ग्राफ क्यों प्लॉट करना है, हमें तो सी ए नॉट की वैल्यू भी पता है, हमें सी ए की भी वैल्यू पता है, पर वो 75% कन्वर्जन के लिए जो टेबल हमें दिया हुआ है उसमें जो हमें टेबल में हमें अलग अलग कंसंट्रेशन और अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन दिए हुए हैं, हमें ओवरऑल नहीं पता है, हमें बीच बीच की कंसंट्रेशन और बीच बीच का रेट पता है। तो ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए, ओवरऑल रिएक्टर एज अ होल कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किसके बीच में, वन अपॉन माइनस आर ए और सी ए के बीच में प्लॉट करना है। अब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे तो इंटीग्रल टर्म नहीं है, तो जिन चीज़ों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है उनको हम एक तरफ रखते हैं एक साइड पे, यानी कि सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन माइनस आर ए, और दूसरी तरफ हम कांस्टेंट टर्म्स को रखते हैं यानी कि बी सी ए नॉट अपॉन एफ ए नॉट। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन और आर ए के बीच में, तो हमने प्लॉट किया है ग्राफ। अब जो एरिया बाउंडेड हम कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया बाउंडेड जब हम प्लग फ्लो रिएक्टर के केस में करते हैं तो एरिया बाउंडेड जो आता है वो
पूरे कर्व के नीचे देखा जाता है। अब यहाँ पे मिक्स फ्लो रिएक्टर में हम क्या करेंगे, हमें कंसंट्रेशन की लिमिट्स पता है 0.3 से 1.2 मोल पर लीटर, तो वो हमने यहाँ पे माप कर दिए। फिर 0.2 जहाँ पे 0.3 जहाँ पे कंसंट्रेशन है, वो जहाँ पे कर्व को कट कर रहे हैं वहाँ से हमने एक रेक्टेंगल बनाते हुए एक लाइन खींची, जिसको हमने 1.2 मोल पर लीटर से ज्वाइन कर दिया। अब बीच में जो हमारा एरिया बाउंडेड है वो मिक्स फ्लो रिएक्टर का है। वहीं अगर हम प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करते तो हम 1.2 मोल पर लीटर वाली जो लिमिट है वहाँ से सीधी लाइन खींचते और पूरा बाउंडेड एरिया निकालते। पर ये CSTR की बात है, CSTR में रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो हमारी पहले है यानी कि 0.3 मोल पर लीटर, वो जहाँ पे कर्व कट कर रही होगी वहाँ से हम सीधी लाइन एक खींचेंगे और फिर उसको हम जो दूसरी कंसंट्रेशन है 1.2 मोल पर लीटर उस रेक्टेंगल से ज्वाइन कर देंगे और जो एरिया आएगा वही एरिया हमारा कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी कि VCA0/FA0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम एरिया काउंट करें तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि हमें काउंट कैसे करना है। 1, 2, 3, 4 और आधा यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसको हमें एक्स एक्सिस स्केल और वाई एक्सिस स्केल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का स्केल है 0.2 और वाई एक्सिस का स्केल है 4, एक्स एक्सिस का स्केल है 0.2 और वाई एक्सिस का स्केल है 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा टाउ की वैल्यू वो होगी 1.8 मिनट। अब टाउ की वैल्यू तो कैलकुलेट होके हमारी आ गई थी 1.8 मिनट। अब हमें एफ ए नॉट की वैल्यू भी पता है, तो पहले उसको हम मिनट में मोल पर मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि हम टेबल देखेंगे अगर तो टेबल में जो यूनिट है रेट की वो है मोल पर लीटर मिनट में, और सी ए नॉट हमें गिवन है, तो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 25 लीटर्स। न्यूमेरिकल नंबर 5, अज्यूमिंग अ स्टोइकोमेट्रिक गिव्स आर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यानी कि रेट क्या होगा KCA। द साइज ऑफ अ प्लग फ्लो रिएक्टर फॉर 99% कन्वर्जन, जो कन्वर्जन है उसकी वैल्यू है आपकी 0.99। ऑफ प्योर इज कैलकुलेटेड टू बी 32 लीटर्स, वॉल्यूम दे रखा है V इज इक्वल टू है 32। इनफैक्ट हाउएवर द रिएक्शन स्टोइकोमेट्री इज ए गिव्स 3R, लेकिन जो रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री थी वो ए गिव्स R नहीं थी, वो थी ए गिव्स 3R। विद दिस कोरिलेटेड स्टोइकोमेट्री व्हाट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्टर। प्लग फ्लो रिएक्टर है तो हमें उसकी जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है दिमाग में फ्लैश करनी चाहिए। अब जब ए गिव्स R है तो जो एप्साइलन है उसकी वैल्यू अलग होगी, और जब ए गिव्स 3R होगी तो जो एप्साइलन है जो पोरोसिटी जिसे बोलते हैं उसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो जब ए गिव्स आर है तो क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यानी कि 1-1/1 इज इक्वल टू 0, तो एप्सिलॉन ए की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो प्लग फ्लो रिएक्टर की जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होती है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, रेट की जगह हमने KCA लिख दिया, उसको हमने सी ए नॉट की टर्म में चेंज कर दिया, फिर उसको हमने इंटीग्रल कर दिया, फिर फाइनली उसमें हमने वॉल्यूम की और कन्वर्जन की वैल्यूज प्लॉट लिख दी, तो फाइनली हमारा जो कैलकुलेट होके आ गई वैल्यू वो आ गई K/V0 की 0.144। तो वो जो केस अभी हमने कैलकुलेट किया ए गिव्स आर के लिए वो तो कांस्टेंट डेंसिटी का, क्योंकि वहाँ एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू था क्या 0, पर यहाँ पे हम जब एप्सिलॉन ए कैलकुलेट करेंगे एप्सिलॉन ए क्या होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी 3-1/1 यानी कि 2। और K/V0 की वैल्यू हमने निकाल ली थी जो कि हमारी आई थी 0.144 और कन्वर्जन की वैल्यू तो हमें पता ही है 0.99। तो जब वेरिएबल वॉल्यूम होता है तो CA और CA0 के बीच में अलग रिलेशन होता है जो कि है CA/CA0 गिव CA/CA0 इज इक्वल टू 1-XA/1XA। तो हमने परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखी प्लग फ्लो रिएक्टर की, फिर CA की रेट को खोला, रेट क्या होता है KCA, फिर CA की जगह हमने जो यहाँ से CA0 का रिलेशन जो है CA/CA0 का वो हमने पुट कर दिया, यानी कि CA0 × 1-XA/1XA वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दिया। अब जब हमने क्वेश्चन को हमने खोला तो 1+εx से ऊपर चला गया, तो फाइनली जो इक्वेशन आई उसको हमने दो पार्ट्स में कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया और फिर हमने उसका इंटीग्रल किया।
फाइनली जो इक्वेशन आई उसमें हमने के अपॉन वी नॉट की वैल्यू और एक्स की वैल्यू जो हमने पुट की तो फाइनली वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई जो कि आई है 82.2 लीटर्स। इस क्वेश्चन में हमें कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना पड़ा, ईजी था। तो अब आते हैं 6 न्यूमेरिकल पे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो काइनेटिक्स है वो है सेकंड ऑर्डर। ए होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ 50% कन्वर्जन मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर सुनते ही मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन फ्लैश होगी दिमाग में, और कन्वर्जन यानी एक्स से 0.5 ये रखा। अब दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है व्हाट विल बी द कन्वर्जन इफ दिस रिएक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर हैविंग वॉल्यूम 6 टाइम्स दैट ऑफ ओरिजिनल रिएक्टर। मतलब कि V2 इज इक्वल टू 6V1, ठीक है, ऑल एल्स रिमेन अनचेंज, बाकी सब वैल्यूज वही हैं, ठीक है। तो और दूसरा है व्हाट विल बी द कन्वर्जन इफ द ओरिजिनल रिएक्टर इज रिप्लेस बाय अ प्लग फ्लो रिएक्टर ऑफ सेम साइज। मतलब पहले में मिक्स फ्लो रिएक्टर से ही चेंज होता है पर उसका वॉल्यूम 6 गुना ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम 6 गुना है, और दूसरे में प्लग फ्लो रिएक्टर सेम साइज से चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ें अनचेंज हैं। तो हम पहले की बात करते हैं, पहले सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो हमने पहले मिक्स फ्लो रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखी, फिर हमने क्या किया सी ए नॉट एक्स ए अपॉन माइनस आर ए टाउ। तो यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से रेट को खोल लिया, के सी ए स्क्वायर हो गया, सी ए स्क्वायर की जगह हमने उसे सी ए नॉट की टर्म में लिख दिया सी ए को, फिर फाइनली हमने एक्स ए की वैल्यू लिखा। तो हमारा जो एक रिलेशन आ गया रेट कांस्टेंट का, यानी के इज इक्वल टू 2V0 अपॉन सी ए नॉट इंटू कैपिटल वी, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो पहला क्या था हमारा, पहला था कि हमें दूसरे मिक्स फ्लो रिएक्टर से चेंज होगा जिसका वॉल्यूम पहले वाले से 6 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर हम मान लें कि नए वाले का वॉल्यूम बी डैश है, तो नए वाले का वॉल्यूम क्या हो गया, बी डैश इज इक्वल टू 6V, जहाँ की V जो था वो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल रिएक्टर था। तो हमने फिर से परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखी हमने दूसरे रिएक्टर के लिए, फिर वही हमने रेट क्वेश्चन को खोल दिया, उसको सी ए के टर्म में लिख दिया, फिर फाइनली हमारी जो इक्वेशन कैलकुलेट होके आई उसमें हमने के की जगह जो हमारी वैल्यू आई थी 2V0 अपॉन सी ए नॉट इन 2V हमने वो पुट कर दी, और वी डैश की जगह हमने 6V पुट कर दिया। तो यहाँ से एक्स ए की एक बाइनोमियल इक्वेशन कैलकुलेट होके आ गई, और उसको हमने जब कैलकुलेट किया तो कन्वर्जन की वैल्यू आ गई 0.75। तो सेम हमें प्लग फ्लो रिएक्टर में करना है, हमें प्लग फ्लो रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखनी है और उसमें वही के की वैल्यू पुट कर देनी है, और देखिएगा उसका भी कन्वर्जन बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए जो मैंने कहा था वही होगा, इसमें भी प्लग फ्लो रिएक्टर का इन्होंने परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखा, उसमें रेट इक्वेशन पुट किया, ठीक है, फिर फाइनली उसका इंटीग्रेशन भी कर दिया, फिर उसमें के की वैल्यू पुट कर दी, बस बाकी सब सेम है, यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई, सब कुछ वही होना है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन 7 पे। प्योर गैसेस ए एट अबाउट इतना प्रेशर एंड इतना टेम्परेचर इज फेड टू अ मिक्स रिएक्टर, यानी परफॉर्मेंस इक्वेशन फ्लैश होगी हमारे दिमाग में मिक्स रिएक्टर की। ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम दे रखा है एट वेरियस फ्लो रेट्स इन रिएक्टर इट डिकम्पोजेज एंड द एग्जिट कंसंट्रेशन ऑफ ए इज एट इट्स फ्लो रेट। ए डिकम्पोजेज एज ए गिव्स CR, यानी कि ये कॉन्स्टेंट डेंसिटी सिस्टम नहीं है, ये चेंजिंग डेंसिटी सिस्टम है। मिस सी ए नॉट की वैल्यू भी हमें दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। फाइंड द रेट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द काइनेटिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें टेबल दे रखी है जिसमें हमें V0 और CA दे रखा है, V0 यानी कि फ्लो रेट और CA यानी कि कंसंट्रेशन। अब हमें फाइंड करनी है क्या रेट इक्वेशन, तो रेट इक्वेशन अगर nth ऑर्डर के लिए हम कहें आपसे कि रेट इक्वेशन लिखिए, तो क्या होगी, माइनस आर एज इक्वल टू के सी ए की पावर n। तो रेट इक्वेशन तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम ऑर्डर और रेट कॉन्स्टेंट नहीं बता सकते, तो हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि ये पावर में है तो हम ग्राफ प्लॉट करना हमारे लिए ईजी नहीं है, तो हम इसका ln ले लेते हैं और लॉगरिथम ले लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फिलहाल। तो हमें रेट की और कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ तो हमें हर केस के लिए अलग दे रखी हैं, पर हमें रेट की वैल्यू नहीं दे रखी है। अब क्योंकि यहाँ पे मिक्स फ्लो रिएक्टर की बात हो रही है, तो मिक्स फ्लो रिएक्टर का जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होता है, यानी कि क्या होता है, टाउ अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस आर ए, यानी कि टाउ इज इक्वल टू सी ए नॉट एक्स अपॉन माइनस आर ए। तो यहाँ से अगर हम रेट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगी, सी ए नॉट एक्स अपॉन टाउ, सी ए नॉट एक्स अपॉन टाउ, और टाउ की जगह अगर हम लिख दें
वी अपॉन वी नॉट, तो आ जाएगा क्या, रेट इज इक्वल टू सी ए नॉट एक्स ए वी नॉट अपॉन वी। वी हमें दे ही रखा है 1 लीटर और सी ए नॉट भी हमें दे रखा है। तो हम पहले केस की बात करते हैं, तो पहले केस के लिए क्योंकि हमें कन्वर्जन भी नहीं पता है, तो पहले केस के लिए पहले हम कन्वर्जन कैलकुलेट करते हैं। तो पहले केस में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो है 30 mmol/L। तो वो हमने वहाँ से उठाई और सी ए नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है, एप्सिलॉन ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कन्वर्जन की। तो हमने फर्स्ट केस के लिए एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जब हमने एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो हमारी रेट की वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ गई। अब हमने देखा कि जो रेट इक्वेशन हमारी हो सकती थी वो क्या हो सकती थी, माइनस आर इज इक्वल टू के सी ए की पावर एन, हमने दोनों तरफ एल एन ले लिया यानी लॉगरिथम ले लिया, तो हो गया एल एन माइनस आर इज इक्वल टू एल एन के प्लस एन एल एन सी ए। तो ये जो इक्वेशन है वो किसके जैसी हो गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जैसी, में वाई है एल एन माइनस आर ए और एम है एन, एक्स है एल एन सी ए और सी है एल एन के, यानी कि इंटरसेप्ट है एल एन के और एन है स्लोप। तो हम जो ग्राफ खींचेंगे वो एल एन माइनस आर ए जो कि वाई है और एल एन सी ए जो कि एक्स एक्सिस पे है, उनके बीच में प्लॉट करेंगे। तो हमें आर ए की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है, तो आर ए की वैल्यू जो प्लॉट होके आई है उससे हम एल एन माइनस आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और सी ए की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो वहाँ से हम एल एन सी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। हाँ जी, तो यहाँ हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया है एल एन माइनस आर ए और एल एन सी ए के बीच में। तो हमने किसी भी पॉइंट पे स्लोप बना के वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके स्लोप कैलकुलेट कर लिया है, जो कि एन के बराबर है, जो कि हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है 1.5। और वहीं हमने इंटरसेप्ट भी निकाल लिया है। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कि जो भी आपकी लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन, वो वाई एक्सिस को जहाँ भी काटती है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। तो नीचे काट रही है, आप देखिए नीचे वो लाइन को एक्सटेंड किया गया है, तो जब हमने एक्सटेंड किया है तो वो जिस पॉइंट पे काट रही है, आप नीचे से काउंट करिए तो वो 3.5 है। तो क्योंकि वो 3.5 है तो वहाँ से जो वैल्यू है वो एल एन के की है, तो जब हम उसको एंटी एल एन करेंगे तो के की वैल्यू आएगी जो कि है 0.0302, और उसको हम आर ए माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए की पावर एन में रख देंगे तो रेट इक्वेशन आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे, द लेबोरेटरी मेजरमेंट्स ऑफ रेट वर्सेस कन्वर्जन, जो कि मैं टेबल दे रखी है, फॉर रिएक्टेंट ए आर गिवन बिलो, कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ अ सीएसटीआर एंड प्लग फ्लो रिएक्टर रिक्वायर्ड टू अचीव 60% कन्वर्जन। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सीएसटीआर का और प्लग फ्लो रिएक्टर का फॉर एक्स इज इक्वल टू 0.6, और फीड कंडीशंस आर सेम इन बोथ केसेस एंड मोलर फ्लो रेट ऑफ ए एंटरिंग अ रिएक्टर इज 10 mol/s। यानी कि हमें ये क्या है 10 mol/s, ये 10 mol/s जो है वो है आपका वैल्यू किसकी, वो वैल्यू है हमारी एफ ए नॉट की, यानी कि फीड रेट की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखते हैं दोनों का, सी एस टी आर का और बी एफ आर का। सी एस टी आर का बी अपॉन एफ ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन माइनस आर ए, और प्लग फ्लो रिएक्टर का है इंटीग्रल 0 to x डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। तो दोनों ही केस में हमें कन्वर्जन और रेट के बीच में ग्राफ खींचना है, कन्वर्जन और 1 upon -r के बीच में ग्राफ खींचना है। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, तो जैसा कि हम जानते हैं, मैंने पिछले आपको एक एग्जांपल में बताया था कि जब प्लग फ्लो रिएक्टर लेते हैं तो सिर्फ कर्व के नीचे का एरिया लेते हैं, और जब सी एस टी आर लेते हैं तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सी एस टी आर के का जो एरिया है वो 1 और 2 दोनों ब्लॉक्स का है, और प्लग फ्लो रिएक्टर का जो एरिया है वो सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक का है। तो जब हमने सी एस टी आर के लिए देखा, तो जब हम एरिया देखेंगे तो एरिया आएगा 36 cm², तो वी अपॉन एफ एन और स्क्वायर टू के 36 × आपका 5/2 है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है 0.2/1 यानी कि 0.1, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 9 liter/s/mol, और
वी अपॉन एफ ए नॉट की वैल्यू है 9 लीटर सेकंड पर मोल, जब हम इसको एफ ए नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 मोल पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा CSTR का 90 लीटर। ठीक इसी तरीके से जब हम प्लग फ्लो रिएक्टर यानी कि अर्थ के नीचे का वॉल्यूम देखेंगे तो वो आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम स्केल वाई एक्सिस यानी कि 5/2 और स्केल एक्स एक्सिस यानी कि 0.1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वी अपॉन एफ ए नॉट की वैल्यू 5.375 लीटर सेकंड पर मोल। और जब हम इसको एफ ए नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 10 मोल पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा प्लग फ्लो रिएक्टर का जो कि होगा 53.75 लीटर। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि सेम कन्वर्जन के लिए प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम कम है और CSTR का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। द लिक्विड फेज डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज स्टडीड इन एन एक्सपेरिमेंटल मिक्स रिएक्टर। द रिजल्ट ऑफ स्टडी स्टेट रन्स आर टैब्यूलेटेड बिलो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 75% कन्वर्जन यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0.75 ऑफ रिएक्टेंट इन अ फीड सी एन ऑर इज इक्वल टू 0.8 मोल पर लीटर यानी कि इनिशियल कंसनट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट की। वॉट होल्डिंग टाइम इज रिक्वायर्ड इन अ प्लग फ्लो रिएक्टर एंड इन अ मिक्स फ्लो रिएक्टर। सबसे पहले तो इनकी परफॉर्मेंस इक्वेशन आपके दिमाग में फ्लैश होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हमें निकालना है होल्डिंग टाइम। अब हम होल्डिंग टाइम कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ा कि लिक्विड फेज डिकम्पोजिशन, तो आपको ये पता है कि जहाँ लिक्विड फेज रिएक्शन की बात होती है वहाँ पे कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए स्पेस टाइम और होल्डिंग टाइम दोनों की वैल्यूज़ बराबर होती हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमें स्पेस टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो पहले हम मिक्स फ्लो रिएक्टर की बात करते हैं। तो मिक्स फ्लो रिएक्टर की हमने परफॉर्मेंस इक्वेशन लिख ली क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है तो हमने कंसंट्रेशन की टर्म में लिख ली। ठीक है, हमें एक्स दे रखा है 0.75, तो यहाँ से हम फाइनल कंसंट्रेशन यानी सी ए कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारी आ गई 0.2 मोल पर लीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है यानी कि हमें टाओ निकालना है। तो टाओ निकालने के लिए हम अगर परफॉर्मेंस इक्वेशन देखें तो हमें कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम ग्राफ बना देंगे। पर ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक और वैल्यू होनी चाहिए जो कि है रेट की। रेट नहीं होगा तो हम 1/-r कैसे निकालेंगे? तो 1/-r निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और लिखेंगे 1/-r इज इक्वल टू टाओ अपॉन सी ए नॉट माइनस सी ए। अब हम पहले ये टेबल देखते हैं। तो हम पहला स्टेप देखें तो सबसे पहले कंसंट्रेशन इन फीड यानी कि सी ए नॉट है 2 मोल पर लीटर और सी ए यानी कि इन एग्जिट स्ट्रीम है कंसंट्रेशन 0.65 मोल पर लीटर और होल्डिंग टाइम है 300 सेकंड। तो हम अगर फर्स्ट केस लें तो टाओ की जगह हम रखें 300, सी ए नॉट की जगह हम रखें 2 मोल पर लीटर और सी ए की जगह हम रखें 0.65 मोल पर लीटर, तो कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा हमारा रेट जो कि हमारा आएगा 1/-r की वैल्यू। तो जब हमने फर्स्ट केस के लिए 1/-r की वैल्यू कैलकुलेट की तो आई 222.22। इसी तरीके से जब आप टेबल देखेंगे तो पाएंगे कि सी ए जो है वो 0.92 दे रखा है, सी ए नॉट 2 मोल पर लीटर और होल्डिंग टाइम उसके लिए 240 सेकंड। तो यहाँ से फिर हम 1/-r कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू भी आएगी 222.22। इसी तरीके से बाकी सी ए और सी ए नॉट और होल्डिंग टाइम की वैल्यू के लिए हम अलग अलग 1/-r कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर ग्राफ खींचेंगे 1/-r और सी ए के बीच में। सी ए एफ हमें पता है, कैलकुलेट किया था हमने 0.2 मोल पर लीटर और सी ए नॉट हमें गिवन है 0.8 मोल पर लीटर। तो जो लिमिट्स होंगी वो होंगी सी ए नॉट टू सी ए एफ 0.8 मोल पर लीटर टू 0.20 मोल पर लीटर, मतलब जो एरिया बाउंड करेंगे वो इन दो लिमिट्स से करेंगे। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हमने मिक्स फ्लो रिएक्टर के फॉर्मूले से क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि जो हमारा न्यूमेरिकल था वो था कि द लिक्विड फेज डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज स्टडीड इन एन एक्सपेरिमेंटल मिक्स रिएक्टर और जो हमें टेबल दी गई थी वो सब मिक्स रिएक्टर के अकॉर्डिंगली दी गई थी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने 1/-r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब वो जो ग्राफ आया उससे हमें निकालना है होल्डिंग टाइम दोनों के लिए अलग अलग, प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए और मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की परफॉर्मेंस इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों ही केसेस में हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, 1/-r और सी ए के बीच में। तो हम 1/-r और सी ए के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं और प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए हम कर्व के नीचे का एरिया देखते हैं। तो हमने यही किया, जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका एरिया सिर्फ प्लग फ्लो रिएक्टर का के लिए है और जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों
ब्लॉक्स का एरिया कंबाइन करके वो मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए है। तो जब हम मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए देखेंगे तो एरिया आएगा 120, जब हम काउंट करेंगे तो ब्लॉक्स आएंगे 120 मल्टीप्लाई बाय स्केल बाय एक्सिस मल्टीप्लाई बाय स्केल एक्स एक्सिस, तो यहाँ से आ जाएगा 1200 सेकंड्स। इसी तरीके से जब हम प्लग फ्लो रिएक्टर करेंगे तो प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए एरिया आएगा 29, काउंट करके देखिएगा, मल्टीप्लाई बाय स्केल वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय स्केल एक्स एक्सिस, तो वो आ जाएगा 290 सेकंड्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। सबसे ऊपर एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन दे रखी है, तो जैसे हम इस रिएक्शन को देखेंगे हमारे दिमाग में फ्लैश करेगा कि इस फॉर्म की जो भी रिएक्शन होती है, जैसे कि ए प्लस बी गिव्स आर प्लस एस फॉर्म की, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं और जिनकी रेट इक्वेशन होती है माइनस आर इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, लिखा भी हुआ है इज अ सेकंड ऑर्डर इरिवर्सिबल रिएक्शन ए लेबोरेटरी वेल स्टील टैंक रिएक्टर। अब लेबोरेटरी में सी एस टी आर भी हो सकता है, बैच रिएक्टर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बैच रिएक्टर ही अज्यूम करेंगे। क्यों करेंगे उसके लिए आगे पढ़ते हैं। इस चार्ज विथ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH एंड एथिल एसीटेट बोथ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल्स आफ्टर 15 मिनट्स द कन्वर्जन ऑफ एथिल एसीटेट इज 18%। हमें सी ए नॉट दे रखी है 0.1 मोल्स आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि हमें स्मॉल टी दे रखा है। जब हमें स्मॉल टी दे रखा है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये बैच रिएक्टर है। द कन्वर्जन ऑफ एथिल एसीटेट इज 18%, हमें एक्स ए की वैल्यू दे रखी है 0.18। फॉर द इनिशियल चार्ज कंटेनिंग NaOH एंड एथिल एसीटेट इन इक्वल कंसनट्रेशन ऑफ 0.2 मोल्स, अगर इनिशियल कंसनट्रेशन 0.2 मोल्स है तब वॉट टाइम इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कन्वर्जन ऑफ 30% इन अ कॉमर्शियल बैच रिएक्टर। उस केस में अगर हमें 0.30 xA की वैल्यू दे रखी है तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखेंगे बैच रिएक्टर की, फ्लैश होगी हमारे माइंड में। ठीक, हमने लिख दी, उसमें हमने रेट को की जगह के सी ए स्क्वायर लिख दिया, फिर उसको सी ए नॉट की फॉर्म में, यानी सी ए नॉट इंटू 1 - xA की फॉर्म में खोल दिया, फिर हमने इंटीग्रेट भी कर दिया। फाइनली इक्वेशन आ गई स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 upon kCA0 इंटू एक्स ए अपॉन 1 - xA। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं पहला केस। पहले केस में हमें क्या क्या गिवन है, पहले केस में हमें टाइम गिवन है, पहले केस में हमें सी ए नॉट गिवन है, पहले केस में हमें टी गिवन है, और पहले केस में हमें एक्स ए गिवन है। क्या नहीं गिवन है, स्मॉल के नहीं गिवन है, तो हम यहाँ से स्मॉल के कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि नीचे जो केस दूसरा दे रखा है उसमें हमें सी नॉट की वैल्यू गिवन है और एक्स ए की वैल्यू गिवन है। के की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम टाइम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास दो अननोन हो रहे हैं इस केस में, तो एक अननोन हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि स्मॉल के। तो अगर जब हम इस इक्वेशन में के की फॉर्म में से रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 upon tCA0 into xA upon 1 - xA, और यहाँ पे हम टी की वैल्यू 15 मिनट और एक्स ए की वैल्यू 0.18 रख देंगे, तो के की वैल्यू आएगी 0.146 लीटर पर मोल मिनट इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, दूसरे केस के लिए यही सेम इक्वेशन लिखेंगे, जो कि है क्या, टी इज इक्वल टू 1 upon kCA0 into xA upon 1 - xA। यहाँ पे हम के की वैल्यू लिखेंगे 0.146, सी ए नॉट की वैल्यू लिखेंगे 0.2 मोल्स और एक्स ए की वैल्यू रखेंगे 0.30 और होल्डिंग टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, सेकंड केस के लिए हमने फिर से परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखी, जो फॉर्मूला आया था हमारा उसमें हमने एक्स ए की वैल्यू और सी ए नॉट की वैल्यू और के की वैल्यू पुट करके टी की वैल्यू निकाली, जो कि आई 14.68 मिनट। इस वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स समझाए हैं रिलेटेड टू रिएक्टर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। अब आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इन न्यूमेरिकल्स के अलावा जो भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आता वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि ये एक बुक का कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली टाइप करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैंने सीधे सीधे बुक से कॉपी पेस्ट कर लिया है। आपको जो भी बुक से पढ़ना है आप उससे पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो बताऊंगी। और मुझे ज़रूर बताएं कि मैं समझाती हूँ तो आपको कैसा लगता है, और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, गुड लक।